समाचार क्या रहे रेडियो चैनल में और इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली में जहां पर वुमेन अचीवमेंट अवार्ड 2021 का आयोजन किया जा रहा है और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज अवार्डी हैं सुमन सोनी जी जो भागलपुर से हैं, बिहार से हैं। आइए आपका भी परिचय करा देते हैं। मैम स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद। और आज यह जो आपको अवार्ड मिला है वुमेन अचीवमेंट अवार्ड, इसके बारे में आप बताइए। जी, मैं अपना नाम बता दूँ, मैं सुमन सोनी भागलपुर बिहार से। मैं एक वाइस प्रिंसिपल और कवित्री और समाज सेवी। बहुत अच्छा लगता है सर मुझे जब कोई इनवाइट करते हैं। यहाँ मुझे स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है और मैं अनिल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अनिल अरोड़ा से, जिनके माध्यम मैं इस मंच को प्राप्त किया। तो महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, इस तरह से बहुत ही सराहनीय बात है। क्यों, हर घर से, छोटे से बड़े से, हर घर से महिलाएं निकल के एक मंच पे एक रूप सा सम्मान पाती है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। तो चलिए, आज वर्तमान में आप शिक्षिका भी हैं, कवियत्री भी हैं, क्या लगता है आपको 2021 की मैं बात करूं, भारत में वर्तमान स्थिति जो हालात हैं महिलाओं के लिए, जो बार बार बात की जाती है सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं की जो चिंता की जो विषय है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं महिलाओं को लेकर एक बात ज़रूर कहूंगी कि जहां पुरुष को दोषी माना जाता है वहां महिलाएं भी खुद को, अपने आप को दोषी माने, क्योंकि रहन सहन, वेशभूषा और आचार व्यवहार ये बहुत मायने रखता है अपने चरित्र को बचाने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही हमारे दोषी हैं और हम अगर अभद्र का वस्त्र पहन के निकलेंगे तो नज़र पड़ेगी ही, और नज़र तो हमेशा बुरी चीज़ की ओर ही उठती है। तो मेरा मानना है कि महिलाएं जब भी अपने घर से बाहर निकले तो खुद को, अपने आप को एक बार आईना में देख ले कि वो सुरक्षित खुद को महसूस कर रही हैं या नहीं रही हैं। और अब पहलों की स्थिति से बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है हमारे भारत में। यहाँ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करती हैं और खुले दिल से हर जगह अपने हर स्टेज को प्राप्त करती हैं। चलिए, महिला सशक्तिकरण अवार्ड 2021 को लेकर के महिलाएं जागरूक हो उठी हैं और तमाम जो महिलाएं हैं वो अपना दायित्व भी समझ रही हैं। और जैसा कि सुमन सोनी जी ने कहा है कि महिला एक बार स्वयं का भी आकलन करें और यह सुनिश्चित कर लें, घर से बाहर जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि वो पूरी तरह से मनोबल से और अपने आत्मविश्वास से लबरेज है, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। और तमाम नारी शक्ति को सलाम के साथ आज का यह अवार्ड कार्यक्रम सभी महिलाओं को निश्चित तौर से प्रेरित करने का कार्य करेगा और वो अपने हकों को समझने के लिए और ज़्यादा प्रयासरत नजर आएंगी।